इंसान कितना ही खुश हो, अपनी फैमिली को खुदा हाफिज़ कहना बहुत मुश्किल होता है। दो दिन बाद है हमारी वापसी और हमने सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और इस व्लॉग में मैं अपनी अम्मी को खुदा हाफिज़ कह के अपने घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वैसे एक बात तो है, बच्चे कितने ही शरारती हो, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो पता नहीं उनके अंदर कौन सी रूह आ जाती है। अब इन बच्चों को देखें, इनकी शरारत देखने वाली होती है, लेकिन आज कितने मासूम लग रहे हैं। बस इनको मैं बाय बोल रही थी और मेरा दिल बहुत खफा हो रहा था। यहाँ पे मेरे भतीजे जा रहे हैं स्कूल, उनको अल्लाह हाफिज़ का, और उसी दिन हमारी वापसी थी, तो दिल बहुत खफा था। क्या हुआ है हमसा? जो गुजरती है ना गाड़ी, वो भी इसको देखनी होती है कहाँ जा रहा है। Right there. उन्हीं का कैमरा खो रही है। अम्मी के घर वापसी पे दिल बहुत परेशान था, तो आमिर बाहर ले गए। धुआं लगा हुआ है आमिर को इतना ज्यादा, बना साइड पे हो जाओ। गुस्सा आ रहा है, आया क्यों, ऑर्डर क्यों किया है। आ जाओ, भला बहुत टाइम लग रहा है। आमिर ने सोचा कि सज्जी लेके आते हैं, बाहर का चक्कर भी लग जाएगा, मूड सेट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, मुझे लगता है आमिर ने सारी सज्जी भी गिन ली होंगी जो कि सीख पे लगी हुई थी। बेचारे ऑर्डर करके परेशान हो गए थे। आमिर साहब जो है ना, सज्जी बन रही है, सज्जी सारा धुआं आमिर के दिमाग जा रहा है। लगता है भूल गए हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं। ओह फाइनली, अच्छा ये बात है। सज्जी के लोग देखे फाइनली कामयाब हो गए हैं। ये देखिए, और ये आज आमिर अपने एक दोस्त से मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, और इत्तफाकन रोड पे ही मुलाकात हो गई। कहाँ जा रही हो? जन्नत हूँ। जन्नत, ये हमारा घर है जो कि अभी रेंट पे चला हुआ है, लगा हुआ है रेंट पे। ये देखिए, ये वो आंटी का है और ये हमारा घर। जैसे कि हम सबको ही मिल रहे थे, हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो आमिर के खाला के घर में हमारी दावत थी। रात के वक्त हम वहाँ गए और वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाना खाया, जिसमें कि फिश बेस्ट बनी हुई थी। सबको पता था कि कल हमारी फ्लाइट है, इसलिए बच्चों ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। सारे कज़न मिल के रो रहे थे, ज़रा देखिए आप भी। मैं अपने जो है ना सलमान को बहुत गले मिलना जिगर, मेरा इतना प्यारा भतीजा है सलमान। पाकिस्तान, ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जी अभी जो आप देखेंगे ना, वो बच्चों ने पाकिस्तानी एक ड्रामा है उसको बनाने की कोशिश की है। मैं नहीं देखती, लेकिन बच्चों ने जो किया है उसके बाद मैंने वो कुछ एपिसोड्स उसकी देखी है। और जो जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं उनको पता होगा कौन सा ड्रामा है, इसलिए कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं ये कौन सा ड्रामा है। और उसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, बाकी तो बच्चों ने जो किया है वो किया है। अपलोड इसलिए किया है अपने व्लॉग में क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, हम वापस जा रहे हैं, तो वो खफा थे, रो भी रहे थे, तो हम चाहते हैं थोड़ी सी उनके फेस पे स्माइल आ जाए अपनी हरकतें देख के। तो चले देखते हैं उनका ड्रामा। हाय मुल्तसिम, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करता है, लेकिन मैं भी हया, मैं भी उसे बता दूँ। मरियम मरियम मरियम, अब तुम मुल्तसिम भाई को बोलो ना कि मेरे साथ बदतमीजी ना करो।
वो तुम्हारे भाई है। भाई है लेकिन मेरा शोर भी बनेगा। मैंने वीरव और मुर्तसिम का रिश्ता पहले ही देख लिया। ठीक है। हाँ मुर्तसिम का रिश्ता क्या होती है बेवफाई, मुझे करके दिखा दूंगा। अनवर भाई सबको बता दे। क्या क्या बताना है? क्या मीरा चुप कर ले। मेरा मुर्तसिम की शादी अगले महीने आखिर में हो। की तरह तू मेरे मरम को तोड़ डालूंगा। तो की तरह तू मेरे मरम थोड़ा आराम से ले। बात सुनो, क्या मसला है? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगा। तुम बहुत ही बुरे हो। तुम बहुत अभी और तो सर नीरव कहां है? बख्ती ने मुझे निकाल दिया। नीरव भाग गया। वो तुम्हारी होने वाली जिम्मेदारी है और तुम ही इसे लाओगे। जाओ, मैं ला के साबित करूंगा। ठीक है जाओ। अच्छा क्या होती है बेवफाई? मीरा के पीछे चला गया है। उसके होने वाला शोर है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे परेशान थे सारे ही, तो हमने सोचा चलो इनको बाहर से बर्गर वगैरह खिलाते हैं। तो इसलिए हम गए AFC। वहाँ पे हमें एक बच्ची मिली जिसकी बातें बहुत ही मजेदार थी। अच्छा आगे पाँव उठाना, मैं गाड़ी आगे करूँ। उसकी शादी कर लो, उसकी शादी करूंगा। वो बैल में है भी। ये जो मेरा बेटा है ना, ये बोला हाँ। ये शादी करके ये अपनी बेगम को लेकर चला जाएगा। हाँ, चले जाएगा। ये मुझे छोड़ देगा। हाँ ना, जाए अपनी बेगम को लेके। तो ये वाला बेटा है ना, ये बोला ये हर वक्त मोबाइल खेलता रहा। मोबाइल पबजी खेलता है। खरूस कुछ काम धंधा नहीं करता। खरूस काम धंधा ये तो बड़ा, ये क्या करता है? ये भी घर में आराम करता है। नहीं नहीं, मैनेजर है। व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप उसके एक ग्रुप का मैनेजर है। और तुम क्या करते करता है? तुम क्या करते क्या करते हो बताओ ना। मैं घूमता हूँ। तुम भी खड़ूस हो फिर तो। हाँ तुम भी खड़ूस हो ना। काम करो ना फिर। काम करो। खड़ूस वो होते जो काम निकलते। तो तुम क्या काम करते? जब जब छोटे लोग होते है ना, तब अगर वो जब छोटे होते अगर काम नहीं करेगा ना। अच्छा, थोड़ा सा आगे गाड़ी आगे करो। चलो वो शादी उसके लिए कोई भी शादी नहीं करता। कल है कि वो कोई काम नहीं करते इसलिए। तुम्हारी कोई बहन है? मैं इसकी शादी कर लूँ अपने खरूस बेटे की। बस बहन है नहीं। और तुम्हारी कोई आंटी होगी, खाला, फूफी? भी नहीं हो जो बैल मुल्क में। आप कहाँ की हो? बाहर मुल्क में। हाँ। तुम्हें पता है ये बच्चा कहाँ से आया? ये वाला बच्चा ये ऑस्ट्रेलिया से आया। तो तुम्हें छोड़ देते हैं ना। 30 रुपए दे रहे। तू 50 रुपए ले, ये ले। तेरी भी शादी हो जाए। इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।